अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं भाव परिवार के संयुक्त तत्वावधान में 16 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई की 127वीं जयंती रचनात्मक एवं प्रेरणात्मक कार्यक्रम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अस्पताल में रक्तदान से की गई। इस मौके पर दर्जनों युवाओं ने रक्तदान करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश दिया। वही रक्तदाताओं को आयोजक भाव परिवार एवं ओबीसी महासभा की ओर से भारतीय संविधान एवं रानी अवंतीबाई की जीवन दर्शन को समझाने वाली किताबें भेंट की गई। इसके अलावा जयस्तंभ चौक में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश भी दिया गया, जबकि कार्यक्रम के अंत में शासकीय पीजी महाविद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान एवं वीरांगना रानी अवंतीबाई की जीवनी प्रदान की गई। अक्सर रैली जिंदाबाद या बाइक रैली या अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की प्रेरणा किसी को नहीं मिलती है। हम लोगों ने, युवाओं ने, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा भाव परिवार ने निर्णय किया था कि इस बार रानी अवंतीबाई जयंती के अवसर पर कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो नए करने के लक्ष्य में हम लोगों ने जिला चिकित्सालय मुख्यालय में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें एक नई पहल हम लोगों ने शुरुआत की। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हमने जो जितने भी रक्तदाताओं ने आज जिला चिकित्सालय पहुँच के रक्तदान किया, उन सभी युवाओं को रक्तदान के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई की पुस्तक एवं भारत देश के संविधान की पुस्तक से सम्मानित किया। इससे यह जरूर होगा कि आने वाले समय में युवा बढ़ चढ़ के रक्तदान के प्रति जागरूक होंगे और हमेशा जो जीवन देने का काम है वो जरूर करते रहेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बालाघाट जिले के अग्रणी महाविद्यालय पीजी कॉलेज में भी छात्र छात्राओं को संविधान की पुस्तक एवं रानी अवंतीबाई की पुस्तक प्रदान की जाएगी। इसी के तहत आज हम लोग पीजी कॉलेज महाविद्यालय पहुँचे, जहाँ लगभग 100 युवाओं को संविधान की पुस्तक एवं वीरांगना रानी अवंतीबाई की पुस्तक दी गई, ताकि वे सभी लोग महापुरुषों की जीवनी एवं संविधान को आत्मसात करके अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रभारी सौरभ लोधी, युवा समाज सेवी विशाल बिसेन, ओबीसी महासभा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोनू भगत, ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के प्रभारी दयाल वासनिक, युवा समाज सेवी कलाम खान, कार्यवाहक अध्यक्ष ओबीसी महासभा सुरेंद्र बिसेन, छात्र मोर्चा प्रभारी मानिक पिछोड़े, राहुल नकपुरे, एवं तीतर मारे, राजेश मोहारे, ओम प्रकाश लिल्हारे, कार्तिक दमाए, चंद्र कुमार दमाए, आशीष लिल्हारे, प्रफुल्ल नागवंशी सहित अन्य युवा मौजूद रहे। रानी अवंतीबाई ने अपने जीवन में अपनाया था, उनको अपने क्षेत्र में भी ले और बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर उनसे कुछ सीखे, आज उसी उद्देश्य को लेकर मैं हमारे बीच में पूरे बालाघाट जिले के युवा सभी सामाजिक वर्गों के साथ में छात्रों के बीच में जाया गया और जाने के बाद जैसे कि भारत देश का संविधान है, संविधान की बुकें दी गई और रानी अवंतीबाई के जीवन संबंधित बुकें प्रदान की गई। वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और भाव परिवार के द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान का शिविर लगाया गया, जिसमें 50 युवाओं ने लगभग रक्तदान दिया। उसके बाद में हम सभी लोगों ने, जिस भी युवाओं ने रक्तदान दिया उनको बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की किताब बांटी, रानी अवंतीबाई जी की जन्मगाथा की किताब बांटी। इसके बाद में हम लोगों द्वारा पीजी कॉलेज में जाकर संविधान की किताब बांटी गई है। उसके पश्चात आज यहाँ पर हमारे द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक नई दिशा में किया गया है। जैसे कि हर किसी की जयंती में डीजे धमाल के द्वारा रैलियां निकाली जाती है, लेकिन हम लोगों ने नई सोच, नई विचारधारा के साथ युवाओं को जागृत करने के लिए एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहां पे किया है। धन्यवाद।